दिल्ली के गौतम गंभीर ने रणजी ट्रॉफी के बीच में ही टीम की कप्तानी छोड़ दी है। उन्होंने टीम प्रबंधन से किसी युवा खिलाड़ी को यह जिम्मेदारी सौंपने के लिए कहा है। गंभीर के इस फैसले के बाद नीतीश राणा को दिल्ली की टीम की कप्तानी सौंपी गई है, तो वही ध्रुव शोरी को उप कप्तान बनाया गया है। दिल्ली की टीम अपना पहला मैच 12 नवंबर से फिरोजशाह कोटला में खेलेगी। गौतम गंभीर ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि वो दिल्ली की रणजी टीम की कप्तानी छोड़ रहे हैं। हालांकि गौतम ने राज्य टीम के मुख्य चयनकर्ता अमित भंडारी को बता दिया था कि वह कप्तानी छोड़ना चाहते हैं। उन्होंने भंडारी को कहा था कि अब यह जिम्मेदारी किसी युवा खिलाड़ी को सौंपने का समय आ गया है। बता दें, गंभीर को सत्र के शुरू में दिल्ली का कप्तान नियुक्त किया गया था। उनकी अगुवाई में टीम ने विजय हजारे फाइनल में जगह बनाई और बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने सवे लगभग 500 रन बनाए। पता चला है कि 37 वर्षीय गंभीर ने आगे कप्तान पद पर नहीं बने रहने का फैसला किया, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि वह इस सत्र में सभी प्रथम श्रेणी मैचों में खेलेंगे या नहीं। करण खुराना, पंजाब केसरी, दिल्ली।